हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। वेलकम यू ऑल इन टुडेस लेक्चर। आज के बायोलॉजी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नए किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। आप सबको याद होगा, आपने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा। चप्पल जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम, और जिसको कोई भी शेप में बना सकते हैं अमीबा। बहुत ही इजी ड्रॉ करने के लिए, कुछ भी बना लो अमीबा बन जाएगा। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म आज की क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में क्लासिफाइड होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। लिनियस के बाद आरएच व्हिटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर्म किया, तब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको कहाँ रख दिया गया? किंगडम मोनेरा में, मतलब उनको बैक्टीरिया कह दिया उन्होंने। और जो भी बाकी ऑर्गेनिजम्स बचे, उनमें से जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए थे और यूकैरियोटिक थे, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, वाटर में पाए जाते। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्रोटिस्टा को लेकर, और वो क्या है? द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अरे भाई, जब बाउंड्रीज इसकी क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? पहले बाउंड्रीज क्लियर करो, फिर बताओ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। पहले तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया, अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि साइनो बैक्टीरिया बोले या ब्लू ग्रीन एल्गी बोले हम, क्योंकि मोनेरा के अंदर इसके दो दो नाम हैं। मोनेरा किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है और जबकि साइनो बैक्टीरिया भी बोला जाता है। यही परेशानी प्रोटिस्टा किंगडम में भी है, क्योंकि यहाँ इसकी बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। बोलो, अब ये बोल रहे हैं कि एक साइंटिस्ट जिसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कहता है, वही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरा साइंटिस्ट प्लांट भी कह सकता है। तो पहले खुद मिलके डिसाइड तो कर लो कि किसको कहाँ रखना है, कहाँ भेजना है। खुद कंफ्यूज और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता, एग्जाम में भूल जाते हम लोग। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक राय होती है, हर एक के अपने अपने कह सकते हैं कि विचार है, थॉट्स है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बाउंड्रीज फॉर्म की है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे इन्होंने बताया कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है, जैसे कि क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला। ये दोनों यूनिसेल्यूलर एल्गी के फॉर्म में क्लासिफाइड किए गए थे, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने इन्होंने प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी के ग्रुप में क्लासिफाइड किया था, क्योंकि ये सिंगल सेल है और उसी के साथ साथ इनके पास क्लोरोफिल है, इसी वजह से ये ग्रीन एल्गीज है और ये अपना खाना खुद बना सकती है। पर नए क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसके पास यूकैरियोटिक सेल है, तो वो प्रोटिस्टा में ही आएगा। तो ये दोनों को वहाँ से उठाकर प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया आप, एल्गी से उठाकर। पुराने समय में एल्गी में क्लासिफाइड किया गया था, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था जो अपना खाना बना सकते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स प्लांट में ही रखना चाहिए। उस वजह से तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में प्लांट में ही रखा गया था, पर अब क्लासिफिकेशन बदल चुका, क्राइटेरिया बदल चुके हैं इसलिए। तो आज भी कुछ साइंटिस्ट क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी बोलते हैं, और कुछ साइंटिस्ट क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टेंट मानते हैं। इनका मानना है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में भी हो सकते हैं, इसीलिए फिर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी से उठाकर कहाँ रख दिया? बैक्टीरिया में, और उसका एक नया नाम दिया साइनोबैक्टीरिया। और इसी रीजन से फोटोसिंथेटिक क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी के जगह से उठाकर, प्लेस से उठाकर हमने रख दिया प्रोटिस्टा किंगडम में। पर एक और भी प्रॉब्लम है, जैसे आप देखिए फंगस के अंदर ईस्ट आती है जिससे ब्रेड बनता है, अल्कोहल बनता है। ईस्ट भी यूनिसेल्यूलर है, ईस्ट भी यूकैरियोटिक है, तब भी उसको फंगस किंगडम में ही क्लासिफाइड किया गया है, उसको तो किसी ने प्रोटिस्टा में रखा ही नहीं। इसलिए बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूजन है प्रोटिस्टल किंगडम को लेके, कि कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी।
ये बेटर सेंटेंस है। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो किंगडम है वो एक्चुअल में लिंक है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच की। कई लोगों का मानना है इवोल्यूशन के हिसाब से कि बैक्टीरियास में से कुछ मेंबर्स प्रोटिस्टा में डेवलप हुए, और प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से एनिमल ग्रुप फॉर्म हुआ। तो ये जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, उसको साइंटिस्ट को ही सॉल्व करने दो, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो और बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ देखें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटिस्टा का, बीइंग यूकैरियोट्स, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल पजेस करते हैं तो प्रोटिस्टा के पास क्या होगा, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले भी बोला था कि दो किस्म के सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और ये दोनों जो सेल्स का हमने डिफरेंस फॉर्म किया उसका बेस था न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल बोला, और जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव था, न्यूक्लियस एनवलोप नहीं था जैसे सेल्स में, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं हम, उनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ही है, तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और इसके पास और क्या होगा, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऐसी ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन से बाउंड हो। प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, पर प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल्स है इसीलिए उनके अंदर वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगी। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया, आपको फिगर में दिखा रखा है वो फ्लैजेला है, सिंगल है इसलिए फ्लैजेलम वर्ड यूज किया है, और सीलिया भी हो सकता है। पेरामिशियम के आसपास आपने बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को देखा होगा छोटे छोटे, उनको जनरली हम सीलिया कहते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं प्रोटिस्टास, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड दिस सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिविजन के जरिए होता है, एक सिंगल सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है और दो बेबीज फॉर्म हो जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, उनके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर वो जाइगोट नए नए बेबीज को फॉर्म करता है डिविजन्स के जरिए। प्रोटिस्टा के अंदर हम कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पढ़ने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। प्रोटिस्टा इंक्लूड फॉलोइंग, प्रोटिस्टा के अंदर जो नीचे ग्रुप दिए गए हैं उनको फॉलो किया गया है। सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजुवास। हम एक एक करके फिर सबको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रोटिस्टा की डिटेल स्टडी के साथ।